आज एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर हम पढ़ें क्यों। तो इनफैक्ट उसका क्वेश्चन जो है प्रिसाइज नहीं था, या उसके मन में क्या चीज़ चल सकती है। हो सकता है वो इस स्कूली व्यवस्था से तंग आ गया हो, या ये सिस्टम उसको सूट नहीं कर रहा हो। और एक दूसरी चीज़ ये है कि आजकल के बच्चे ना जो मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें वो देखते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि बहुत से ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं या स्कूल ड्रॉप आउट हैं, और वो बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसे कैसे इतने बच्चे मोटिवेटेड हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जैसे कभी कभी बैंक बेंचर के बारे में भी आ जाता है कि बैंक बेंचर्स हैं वो, बहुत कुछ आइडिया उनके दिमाग में आते हैं। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें समझने जैसी है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है कि हम एजुकेशन को और स्कूलिंग को मिला देते हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसका फ़र्क समझना पड़ेगा। एजुकेशन कोई व्यक्ति घर भी बैठ कर ले सकता है, जैसे एकलव्य ने अपना अलग से सीख लिया, धनुर्विद्या सीख ली, तो आप भी बुक लेके, बुक्स हर तरह की अवेलेबल होती है वहाँ, वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाते हैं, वहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन स्कूलिंग जो है ना, वो एक बहुत जीवन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसका ये होता है कि आप स्कूल में जाते हो तो आप सोशल होते हैं, वहाँ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज मिलते हैं जिनसे आप डील करते हो, तो बहुत सारी ह्यूमन टेरेंसीज का आपको पता चलता है, बिहेवियर आपको कैसा करना है उसका पता चलता है। आप पब्लिक में रहेंगे तो किस तरह से पब्लिक को डील करेंगे, दूसरे लोगों के साथ समायोजन एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। यदि आप इन चीज़ों को नहीं सीखो, यही यदि आप लोन बर्ड हो गए, आप एक कमरे में बैठ गए और आप कुछ नहीं, अपना ठीक है अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो वहाँ पर, लेकिन फिर आप अनसोशल हो जाओगे, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको जीवन में बड़ी आपके लिए दुखदायक हो जाती है। तो बच्चे का स्कूलिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो सिस्टम सीखे, क्लास जैसे पीरियड्स होते हैं उस हिसाब से क्लास में बैठे, उसके बाद में वो गेम्स पीरियड भी जाए, टीम बनाना सीखे, बच्चे आपस में टीमें बनाते हैं, फिर मैचेज होते हैं, अब डिपार्टमेंट्स में जाते हैं बच्चे, कंप्यूटर लैब में जाते हैं, लाइन बना के चलते हैं, ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेसिंग सेंस उनका डेवलप होता है, टिफिन शेयरिंग का काम चलता है। तो ये बहुत सारी, यानी सोशल होने की जितनी भी हमको लर्निंग होती है वो स्कूल में होती है एक बच्चे की, इसलिए स्कूलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा है एजुकेशन, तो एजुकेशन में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो सोसाइटी में आपको कहीं भी आप बातचीत करने बैठ रहे हैं तो आपको लोग पूछते हैं अच्छा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यदि आप उस तरह से नहीं पढ़े फॉर्मल एजुकेशन में तो आप क्या बताएंगे, और ज़्यादातर लोग वहीं पर जज कर लेते हैं। अच्छा दूसरा कि परसेंटेज पूछ के जज कर लेते हैं, तो मैं परसेंटेज का नहीं कह रहा हूँ कि आपके कितने परसेंट, मां 90% आए, 95% आए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोगों का जज करने का तरीका क्या है। कई बार सुना जाता है कि एक सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, ये सब कहने की बातें हैं, जो मार्क्स आपके आते हैं सब्जेक्ट में लोग उनसे डिसाइड कर रहे हैं। तो हालांकि सोसाइटी को ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, कम से कम आप ये बता सको कि मैं इतना एजुकेटेड हूँ, क्योंकि सोसाइटी पूछती है। सेकंड चीज़ क्या हो गई कि इसमें आप एक आइडेंटिटी हो, और आप जैसे भी हो उसका एक बेटर वर्जन हमेशा आना चाहिए। तो लर्निंग यदि आप जारी रखोगे तो आपका एक बेटर वर्जन आएगा। तो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए आप पढ़िए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ जैसे जैसे चीज़ें सीखेंगे आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा डेवलप होती जाएगी। अब एक चीज़ और देखो आप, कि मान लो हमको पढ़ के जॉब नहीं करना है, हमको गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप एक जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं, आप कोई क्लोथिंग स्टोर खोलना चाहते हैं, ठीक है क्लोथिंग स्टोर खोलिए, लेकिन एक एजुकेटेड जिसने क्लोथिंग स्टोर खोल रखा है, या जनरल स्टोर खोला है, या डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, और एक जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो उन दोनों में बहुत फ़र्क है, उनकी क्वालिटी में, उनकी सर्विस देने की क्वालिटी में, इन सब चीज़ों में बहुत फर्क आ जाएगा। इसलिए पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को, स्कूल जाना चाहिए, स्कूल का एंजॉय कर,
उसको एक आनंद वाला सेकंड होम बना लो अपना। स्कूल जाने का मन नहीं करता है, क्यों सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे हो, तो उनके सॉल्यूशंस ढूंढो। ऐसे प्रश्न ना उठाओ कि क्यों पढ़े हम। और ये क्वेश्चन मेरे को कई बार, एक बार 7-8 साल पहले भी एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्यों पढ़े हम। मैंने यही कहा भाई, बेटर वर्जन आपका निकल के आएगा। ये तो स्काई की कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी ऊपर हो सकते हो, तो अपने बेटर वर्जन के लिए पढ़ो। थैंक यू।